हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर जिंदर भल्ला जी। हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी। अभी मैडम से आपकी बात हुई थी जी 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 तो मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, काफी गाइडेंस दी। अच्छा जी सर, थोड़ी तकलीफ और देनी, आपका टाइम ले रहे हैं। नहीं नहीं जी बताइए मैंने पहले तो स्टेंट डलवाया, साल पहले जी। दो स्टेंट डलवाए हार्ट की ब्लॉकेज, फिर साल के बाद मैंने दोनों नीज का रिप्लेसमेंट कराया बेंगलोर में। अभी उसके साल बाद अभी करवा के अभी 5 महीने हुए हैं। तो अभी वैसे थोड़ी सी मेरी, पहले ये बताओ कि लेफ्ट हमारा नी का घुटना घुटना जो मोटा होता है राइट से ही, पता नहीं कभी सोचा नहीं ना कभी सुना कभी, पर मेरे ख्याल अच्छा। से नहीं होता वो, अगर होता भी होगा तो थोड़ा सा फर्क होगा, ज्यादा नहीं होता। हाँ थोड़ा सा ही है, वो हो जाता होगा कुछ ना कुछ नेचुरल, तो जो भगवान ने बनाया उसके बाद तो करने में कुछ हो जाता होगा भगवान जाने। अच्छा कितना क्या फर्क है दूसरी, आपका? हल्का सा महसूस फीलिंग आती है भाई, हल्का सा वो। आप ऐसा करो, कोई भी घर में 25 साल 30 साल 35 साल का हो उसको चेक कर लीजिए, उनके फर्क है कि नहीं। हाँ ठीक ठीक बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया बताया अच्छी आपने। अच्छा सर दूसरा ये है, तो स्टंट वाली जो डलवाया मैंने वो तो उसके एक उन्होंने कहा कि आपका खून ठीक है, इकोस्प्रिन और रुजोवल की उन्होंने एक टेबलेट इकट्ठी बना करके कैप्सूल दिया गया, रात को ये ले लिया करो 10 डिग्री 10 mg होता है ग्राम mg का जो भी है वो मिला के। और अच्छा मुझे थोड़ा बीपी की है, कोई 170-180 तक हो जाता है, तो उसके लिए एमलॉग MT25 उन्होंने बताइए दिन में सुबह ले लिया करो जी। ठीक है, और मुझे बताइए कि आप ये एक साल भर कैल्शियम कैलीकॉक्स इस नाम से है कैलीकॉक्स, और साथ में वो बीपी वाले ले लिया करो सुबह, और रात को वो टेबलेट ले लिया करो। एक फॉस्फोरस बताई गया साल भर वो लो ताकि हड्डियां मजबूत हो, एक हफ्ते में एक बार वो भी। ठीक है सर, सर डॉक्टर को जाके एक गोली मार दो। बस बस बस, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अभी मुझे दवाई खानी पड़ेंगी, कि मेरा वैसे तो नॉर्मल ही हो चुका है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, बड़े लाइट खाते हैं, फीकी चाय पीते हैं, सब बड़ा सिंपल वे में, जैसे मैडम बता रही डाइट, मैं तो और सिंपल सी खा के खाता हूँ सर। दो चपाती जी, बीमार लोग वही होते हैं जो सिंपल डाइट खाते हैं। अच्छा जी बताइए, तो आपसे जानना चाहता हूँ कि अब मुझे देखिए, सबसे पहले तो आप बात हो रही थी ब्लड थिनर्स की, एस्पिरिन वगैरह की। हाँ जी, सबसे पहली बात है हमारा ब्लड मोटा क्यों होता है। जी जी, जब तक आपको ये नहीं पता मोटा क्यों होता है तो उसको दवाइयां लेके क्या होगा, दवाइयां बना के क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास पेंट का डब्बा है, आपने पेंट के डब्बे को खुला छोड़ दिया जी, तो वो सूख जाएगा। बिल्कुल जी जी जी, 15-10 मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन में इसे सूख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब आपने उस पेंट के सूखने के बाद में यूज करना है तो आप उसमें थिनर डाल दोगे, पतला करोगे, फिर उसको लगा दोगे। हाँ जी 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 जी, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप उसको एयर टाइट, एकदम से एयर टाइट कर दो कि हवा जाए ना, ना गर्मी पड़े ना कुछ हो, एकदम उसको एयर कंडीशन में रख दो। हाँ, तो शायद वो 10 साल तक नहीं सूखेगा। जब जरूरत पड़े उसको खोलो और यूज कर लो। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो अब अगर किसी का ब्लड मोटा हुआ है तो पहले तो हमें समझना चाहिए कि वो मोटा हुआ क्यों, क्या वो धूप लगने से हुआ, हवा लगने से हुआ, किस वजह से हुआ। जी जी जी, फिर उसके बाद उसका कोई इलाज करना चाहिए। हाँ मुझे बताया कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एक बार यूरिक एसिड ज्यादा हो गया था, वो मैंने आज से 20 साल पहले क्या बोलते हैं पथरी निकलवाई थी यूरिक ट्रैक में। हाँ जी, के तो पता नहीं कोई डाइट ऐसी होती होगी तो उससे बाद फिर तो कभी उन्होंने कहा आप ये टमाटर वगैरह ऐसी चीज बीज वाले ना खाना, और दवाई खाओ तो रेगुलर, नहीं तो मत खाओ। मखान ना खाओ कि बिल्कुल ठीक है, फिर ना खाओ रेगुलर मत खाओ, मैंने दवाई खाई नहीं थी तो भगवान की मेहर से कभी मुझे वो नहीं हो जाए। पालक वालक थोड़ी ले लेता था जैसे कहा जाता है, अवॉइड करता था, सिंपल ले लेता था, तो उससे फिर पथरी की तो पुरानी बात होगी। ठीक हो, अब ये ब्लड थिनर जी जी, मेरे को 20 साल पहले पथरी हुई, 4 अच्छा साल जी, हाँ 4 साल में 3 बार हुई मेरे को। ओह अच्छा, और उसके बाद बोला पानी ज्यादा पियो, ये मत खाओ वो मत खाओ, और जितनी चीजें उन्होंने मना करी वो मत खाओ ये मत खाओ, मैं सारी खाता हूँ। अच्छा जी, और जरूर से ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, और नहीं एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज भी नहीं करता, मेहनत भी नहीं करता, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता महीनों महीनों।
अच्छा जी, एक्सरसाइज की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है, ये सब के सब चीजें जितनी भी बोली है उसके पीछे कोई साइंस नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, सब बेवकूफी है और सब एक बात को दूसरे को दोहरा दोहरा के बोलते रहते हैं। बस बस बस, जैसे व्हाट्सएप आज चला रहे हैं, दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं हम। मतलब जो लोग होते हैं वो हर एक आदमी समझता है एक को पढ़ के कि भाई मैं ही समझदार हूँ, मैंने पढ़ लिया दूसरों को भी पढ़ाता हूँ। बस बस बिल्कुल बिल्कुल, वो सोचता नहीं है, वो बिना सोचे समझे उसको आगे कर देता है। अनऑथेंटिकेटेड बातें होती हैं। देखिए मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ आपको जी। अब सबसे पहले आ जाती है ब्लड थिनर की बात। हाँ जी, हमारे शरीर का 70% के करीब पानी होता है। हाँ जी, ये जो पानी होता है ये तीन जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हाँ ठीक है जी। टोटल पानी का 10% ब्लड होता है जी, 65% टोटल पानी का हमारे सेल्स में होता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। और 25% जो पानी होता है वो हमारे सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब ब्लड जो होता है हमारा उसका एक ही काम होता है जी, कि हम जो खाते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो खून में जाते हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। खून में जाने के बाद लीवर और किडनी उसको बैलेंस करता है। हाँ जी, हाँ जी। सबका अपना प्रोपोर्शन होता है कि भाई जैसे सब्जी बनानी है तो आपने एक हिसाब से डालेंगे, सब्जी इतनी है तो नमक इतना होना चाहिए। उसी हिसाब से अगर आपका आपने आज कार्बोहाइड्रेट खाया है तो वो इतने ग्राम खाया है तो आपको प्रोटीन इतना चाहिए और फैट इतना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी। तो लीवर का काम क्या है कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो अपने पास रख लेगा, मतलब जो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। हाँ, तो वो खून में आगे उसी को भेजेगा जो राइट प्रोपोर्शन में हो। राइट प्रोपोर्शन, हाँ। प्रोपोर्शन का मतलब ये नहीं है कि रोज के 200 ग्राम होना चाहिए, रोज का राइट प्रोपोर्शन का मतलब है कि आज कार्बोहाइड्रेट कितना खाया उसके हिसाब से फैट होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अपने पास रख के या अपने पास से डाल देता है तो वो प्रोपोर्शन को ठीक रख देता है। किडनी का काम होता है कि जितने भी मिनरल्स और कितने भी हार्मोन्स और जो केमिकल्स हैं उसको किडनी कंट्रोल करती है, कंट्रोल उसको क्लीन करती है ना। नहीं नहीं, क्लीन व्लीन कोई नहीं करती, उसका काम भी यही होता है राइट प्रोपोर्शन मेंटेन करना। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी आपका मन कर रहा है नमकीन खाने का तो आपने एक पाव आधा किलो नमकीन खा ली तो नमक तो ज्यादा हो ही जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ठीक। तो अगर वो सारा नमक पहुंच गया अंदर सेल में तो गड़बड़ हो जाएगी। जी जी जी। इन दोनों का काम होता है कि कोई भी गलत चीज सेल में ना जाए। हाँ, फिर ये किडनी और लीवर से होकर ब्लड हार्ट में गया, हार्ट ने इसको पंप किया और वो सेल में गया। हाँ, सेल में जाकर वो न्यूट्रिएंट्स को वहां छोड़ाता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, केमिकल जो भी सॉल्ट वॉल्ट होते हैं सारे सेल में चले जाते हैं। हाँ, अब सेल में जाके एनर्जी बनाता है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है, अब वो एनर्जी से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर दिल तो धड़क रहा है, उसको धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? हाँ हाँ हाँ। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जब आप खाते हो पेट जोर जोर से हिलता है उसको उगलाने के लिए एसिड होता है उसमें, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। आपकी जितनी भी अंदर की मूवमेंट है जो हम सोचते नहीं है, जिसको जो हमें दिखाई नहीं देती है, हाँ बिल्कुल, हमारे शरीर की 60-80% जो एनर्जी बनती है वो वहाँ यूज होती है। हाँ, चलने फिरने में तो हम 20-25% ही यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी हेल्थ इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती कि आप कितना चलते हो। आपके मान लो टांगे हैं, टांगों की अगर आपने बहुत अच्छी मालिश कर ली, बहुत अच्छा चल लिया, भाग लिए, हाँ, सारी एक्सरसाइज कर ली, तो उसे हाँ, आपके अंदर के सिस्टम थोड़ी मजबूत हो जाएंगे। हाँ, बस वो तो ऊपर बॉडी हो गई ना। हाँ जी। अब अगर आपका हार्ट मजबूत हो, हाँ, अगर आपके अंदर के सिस्टम मजबूत हो तो आपकी टांगे अपने आप ठीक हो जाएंगी। भाई हार्ट टांगों को क्या चाहिए? ब्लड, टांगों को क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपका हार्ट मजबूत है, हार्ट जोर से पंप कर रहा है तो सब जगह जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आपका हार्ट वीक हो गया तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्यादा एक्सरसाइज करना और ये कहना कि एक्सरसाइज से कोई फायदा होता है बेकार की बात है। जी ठीक, बिल्कुल सही सही लॉजिक दिया आपने। अब सारी दुनिया इसके पीछे भाग रही है जी, घंटा चलो रोज सुबह, इतना करो। अब उसकी जगह आपको करना क्या है? योग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप से उठो घर में, 5 मिनट आराम से चलो। हाँ जी ठीक है। आप जब 5 मिनट चलोगे, अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक है तो आप 5 मिनट में थकोगे तो नहीं? नहीं ठीक है। आराम से चलना है, तेज तेज भी नहीं चलना, और अगर थक जाते हो तो 5 मिनट की 3 मिनट चल लो। जी हाँ बस बस ठीक है। अब 3 या 5 मिनट चलने के बाद आपकी शरीर थोड़ा सा गर्म होगा। हाँ जी बिल्कुल। आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आपको अच्छा सा लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थकान की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं? नहीं नहीं जाएगा। जब आपको कोई सब चीजें अच्छी लग रही है, सोच भी अच्छी हो गई, शरीर भी थोड़ा सा गर्म हो गया, तेज भी हो गया, आप फील कर रहे हैं कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो उस सब का मतलब है कि उस समय आपके अंदर के जो ऑर्गेन्स की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप उसके बाद लेट गए जी,
तो जो एनर्जी आप चलने पर खर्च कर रहे थे और शरीर ने आपकी एनर्जी इसलिए बढ़ाई थी कि अगर आप अगले 10 मिनट और चलना चाहते हो तो वो आपको एनर्जी मिल जाए मिल जाएगी हाँ। परंतु अगर आप लेट गए और आपने वो वेस्ट नहीं करी चलने में एनर्जी, तो वो आपके दिल और दिमाग को और अंदर के सिस्टम को मिलेगी, कोई दोबारा से वो फैट में तो कन्वर्ट नहीं होगी, दोबारा थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो जब आप इसको 5 मिनट चल के लेटोगे 5 मिनट, तो आपको 2-4-5 दिन के बाद महसूस होने लगेगा कि आपका जो दिल है वो जब पंप करता है, जब धड़कता है, तो उसका धड़कन तेज हो गई, मतलब जोर से धड़कता है। हाँ जी हाँ जी सर। जोर से धड़कने का मतलब हो गया कि वो खून को ज्यादा तेज से पुश करेगा। हाँ जी हाँ। तो वो सारा खून सब जगह जाएगा, तो आपको सब जगह आराम मिलेगा। जो आपके नी रिप्लेसमेंट हुई वहां पर भी कारण एक ही होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई वहां कम हो गई। हाँ जी। तो अगर आपकी ब्लड सप्लाई ठीक होती तो घुटने ठीक हो जाते। अब दूसरी प्रॉब्लम को समझिए, आपने नी रिप्लेसमेंट करा लिया। हाँ जी हाँ। अब वहां पर तो आपके मेटल लग गया। मेटल लग गया बिल्कुल। वहां पर पेच लग गया, मेटल लग गया, अब वहां पर तो अब आपको बिल्कुल 1% तकलीफ नहीं होगी वहां पर घुमाने में, घुटने उठने चलाने में। जो नॉर्मल बताई एक्टिव वहीं तक ही कर सकेंगे, ज्यादा वो फास्ट भी नहीं कर सकेंगे और वजन भी नहीं, दर्द नहीं होगी। अगर आप चाहो तो 10 किलोमीटर भी चल सकते हो उसी को, मतलब मेटल वाली चीजों से। जी जी हाँ जी ठीक। प्रॉब्लम ये है कि आपका हार्ट कमजोर हो गया। हाँ, हार्ट से उतना ही ब्लड पंप करना है, अगर आप ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा आप कहीं गिर गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपके मसल्स जो घुटने तो रिप्लेस हो गए, पर घुटने के आसपास के मसल्स भी हैं, ब्लड सप्लाई तो उनको भी चाहिए। हाँ। तो अगर आप जरूर से ज्यादा चलोगे जो आपके हार्ट को हार्ट सपोर्ट नहीं करता तो प्रॉब्लम होगी। मेरे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे फादर इन लॉ है। हाँ जी। उनके घुटने में दर्द होने लगी, वैसे तो काफी एक्टिव होते थे, उनकी उम्र हो गई करीब मेरे ख्याल से 70 ऊपर है। 70 हाँ जी जी। हाँ मेरी भी 74 है सर, मैं उम्र बता दूं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना घुटने रिप्लेस करने का डिसाइड कर लिया कि भाई उनको रोज शौक था पार्क में घूमने का, हमने जाने का, अब दर्द तो कहते मैं करा लेता हूँ। तो उन्होंने ना कराने से पहले 10 लोगों से बात करी। हाँ जी। तो एक अपने रिश्तेदार थे, उनकी कोई कजन थी या सिस्टर थी, तो उनके यहाँ घर गए, मैं भी चला गया वहां पर। तो उन्होंने भी नी रिप्लेसमेंट कराया था, तो उनसे पूछते जी आपने कितने दिन टाइम हो गया, उनको शायद 2-3 साल हो गए थे। तो कहते जी आपको कैसा फील हो रहा है, तो कहते मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं है, मैं जितना चाहूँ जैसे मर्जी चल सकती हूँ। तो मैंने कहा आपने कमर में बेल्ट क्यों लगा रखी है। अच्छा। तो कहते मैं 2 बार गिर गई थी। ओहो। मैंने क्यों गिरे, क्यों गिरे, आप तो सब ठीक हो गए ना, आपका ठीक हो गए, आप चल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर तो आपको गिरना नहीं चाहिए। तो उनको फिर मैंने समझाया फादर इन लॉ को, मैंने कहा देखो अब इनके घुटने ठीक हो गए पर इनकी कमर और बाकी और सिस्टम तो ठीक नहीं हुआ ना। हाँ। तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, घुटने से आप चलने की कोशिश कर रहे हो, बाकी शरीर आपको पीछे खींच रहा है, इम्बेलेंस हुआ, गिर गए। तो अगर आप जरूर से ज्यादा चलोगे, आप थोड़ा बहुत चलते हो तो ठीक है, अगर जरूर से ज्यादा चलोगे तो दिक्कत शरीर ने आपको जहां पर जो दिक्कत पहुंचाई है उसका कारण है कि अगर आपको अगर आपके घुटने ठीक चलते रहेंगे तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ। हाँ, तो आपको स्लो करना था, सिस्टम ने उसने स्लो कर दिया आपको। हाँ, तो जब तक आप अपने सिस्टम को फास्ट नहीं करोगे और उसको धकेलने की कोशिश करोगे तो कभी गिरोगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो मैंने इसलिए समझाया घुटने करने के बाद आप चलने की कोशिश करोगे, आपका वो मिसमैच होगा और दिक्कत हो जाएगी। तो खैर जी मेरी बात मानते नहीं है, तो उन्होंने अपना ऑपरेशन करा लिया। ओहो अच्छा जी। ऑपरेशन कराने के महीने के बाद उनको स्ट्रोक हो गया। ओह स्ट्रोक में क्या हुआ कि उनकी राइट साइड खत्म हो गई, स्पीच खत्म हो गई। स्ट्रोक क्या होता है? पैरालिसिस। अच्छा जी। तो अब वो बोल नहीं पाते। हाँ। और चल नहीं पाते, सॉरी चल पाते, राइट हैंड नहीं काम कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, अब इस चीज से उनको बड़ी तकलीफ होती है कि मेरा सीधा हाथ नहीं चल रहा, मेंटली साइकोलॉजिकली उनको बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं इंटरप्ट एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे विचार में मैं बड़ा लाइफ में एक्टिव, जैसे आप उनकी बता रहे हो जैसे स्पोर्ट्स में, और जो बाद में छोड़ देते हैं उनके शायद बदन में कुछ दर्दें हो जाती हैं शुरू, ये बात ठीक है कि गलत है, मानते इस बात को? मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, मैं अभी इनका कंप्लीट कर लेता हूँ। जी हाँ। स्ट्रोक हुआ तो स्ट्रोक होने के बाद में मैंने उनको फिर याद दिलाया, मैंने कहा स्ट्रोक इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराई थी। और उसके बाद मैंने इंटरनेट के ऊपर ढूंढा कि नी रिप्लेसमेंट करने और स्ट्रोक, नी रिप्लेसमेंट कराने में और स्ट्रोक में क्या कनेक्शन है। हाँ जी अच्छा। तो दुनिया भर के उसमें वो आ गया कि नी रिप्लेसमेंट कराने से स्ट्रोक के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। हाँ। और अगले 10-15 दिन में स्ट्रोक हो जाता है। ओ अच्छा अच्छा। तो अब इनको 1 महीने बाद हुआ, अब वो तो 10-15 दिन में होता है, महीने बाद होता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये चीज जब उनका ऑपरेशन कराना था उससे पहले मैंने ढूंढा कि मतलब नी रिप्लेसमेंट कराने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहीं नहीं आया।
अब बस स्ट्रोक हो गया तो मैंने स्ट्रोक और नी रिप्लेसमेंट को सर्च किया तो उसमें आ गया कि जी होता है। अच्छा, अगर पहले ही वो बता देते तो कहाँ क्या होता क्या है कि जितने आपके ऑपरेशन है हर ऑपरेशन का साइड इफेक्ट होता है, चाहे हल्के सेल का छोटे से छोटा ऑपरेशन क्यों ना हो। अब वो स्ट्रोक कितने दिन के बाद, ऑपरेशन के बाद हुआ उनका? एक महीने के अंदर। ओहो, अच्छा। और आज इस बात को 1.5-2 साल हो गए, आज की डेट तक ठीक नहीं हुए वो। ओहो, दया करे। और उसके अलावा बात क्या होती है कि घर के लोग की बात कोई नहीं मानता। ना, मैंने उनको कहा कि मैं आपको एक हफ्ते में ठीक कर देता हूँ, नहीं मानते वो। तो अपनी चलाते हैं, उनको मतलब आदत है अपनी चलाने की। वही घर का भी चूल बराबर होता है ना। मैं आपको अभी का किस्सा बताता हूँ। अभी क्या हुआ, 7 तारीख को, इस महीने की 7 तारीख को, आज 12-13 तारीख है शायद, 7 तारीख को मेरे को एक बिहार से फोन आया कि जी हमारे पिताजी को स्ट्रोक हो गया। अच्छा। अब वो बोल नहीं पा रहे और उनका हाथ भी नहीं चल रहा, राइट। तो सेम टू सेम प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो अब उसने मेरे को वीडियो वगैरह भी भेजा कि भाई ये हालत है उनकी, बोल नहीं पा रहे। तो मैंने उनसे वही डिटेल पूछी, उनको कहा, उनको 3 बीमारियां थी, हार्ट की भी थी, ब्लड प्रेशर भी था, ब्लड शुगर भी थी। अच्छा, ये मैंने कहा सारी दवाइयां बंद कर दो। ठीक ठीक। और इनको पानी जो है वो लिमिट कर दो, दूध दाद सब बंद कर दो। अच्छा अच्छा, पानी भी कम पीना चाहिए, इतनी ऐसी शिकायतें होती हैं। सारी बीमारी तो पानी से ही होती है। हार्ट उतना वो पंप नहीं कर पाता होगा ना। नहीं नहीं नहीं, गलत है। मैं अभी आपको वो मैं बताना शुरू कर दिया था, मैं बीच में दूसरी तरफ चला गया। अच्छा, मैं पहले अच्छा, अभी आपको ये बताता हूँ कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है। तो अब उनका ये स्पीच वगैरह की प्रॉब्लम हुई। 10 तारीख तक उन लोगों का कहना था, उन लोगों का फोन आया जी 70% उनकी स्पीच ठीक हो गई। 11 तारीख को बोलते 80% से ऊपर ठीक हो चुकी है। अब चिल्ला चिल्ला कर भाइयों से लड़ते रहते हैं, तो स्पीच की प्रॉब्लम खत्म 3 दिन में। और इनको 2 साल होने को आ रहे हैं, कहना नहीं मान रहे। अच्छा। और उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग जितनी भी थी मैंने उनको भेज दी कि भाई दे ये ले लो और इस बंदे का फोन नंबर ले लो, उसे बात कर लो, अपने आप डिसाइड कर लो। कोई फोन करके भी राजी नहीं है। बस ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे खून गाढ़ा क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। मैंने बताया कि 70% पानी होता है, 10% यहाँ होता है, 65% सेल्स में होता है और 25% सेल्स के बीच में होता है। 25% में होता है, गैप में। ठीक। हमारे खून का काम होता है सेल्स के अंदर सारी चीजें छोड़ के आना। पर हम आदतन ज्यादा पानी पीते रहते तो पानी जो होता है हमारे शरीर में 2 जगह से एब्जॉर्ब होता है। जब हमारे खाने के साथ में पानी चलता है तो छोटी आंत में जाता है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है। दूसरा रास्ता होता है कि जब हम फालतू पानी पी लेते हैं तो वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन भी पानी को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो पानी को एब्जॉर्ब करती है वो उतना एब्जॉर्ब करती है जितना पीते हो। उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है कि पानी कितना एब्जॉर्ब करना है, कितनी जरूरत है कितनी नहीं है। बस एक्सेस वाटर खराब करता है वो। तो एक्सेस वाटर सेल में चला गया। सेल में एक्सेस वाटर जाने से क्या होगा कि सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। आप जैसे नींबू मतलब कुछ भी बना रहे हो, मान लो आप पानी में चीनी घोल रहे हो, तो अगर आपने पानी में चीनी घोलने के बाद आपने टेस्ट किया ठीक है, उसमें पानी और डाल दोगे तो फीका हो जाएगा। बिल्कुल, बस बस बस। अब आपने पानी अगर ज्यादा हो गया सेल्स में तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो गए। अब वो कम हो गए तो जो हमारे जो एनर्जी बनती है वो सेल में बनती है। जी जी। तो सेल उसकी एनर्जी कम बनाएगा। पानी ज्यादा होगा तो निकलता जाएगा, वो एनर्जी कम होती है। ठीक बात है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब सेल्स में एनर्जी कम बन रही है तो अभी दूसरा चीज मैंने बोली कि जो हमारे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 60-80% तक हमारे इंटरनल ऑर्गेन हमारे अंदर के सिस्टम के लिए होती है। अब अगर आपके दिल को पूरी एनर्जी ना मिले तो क्या होगा, आदमी खत्म। वो 80% एनर्जी ना मिली तो ठीक है, गड़बड़ होगी। अब इसलिए हमारा शरीर टोटल पूरी कोशिश करता है कि वो एनर्जी कम ना हो। जी। तो अब लीवर और किडनी का काम है ब्लड के अंदर चीजों को छोड़ना। बिल्कुल। हाँ जी। तो जब आपको सेल्स ने मैसेज दिया ब्रेन को कि भैया हमारे ये इस चीज की कमी है, मान लो उसने कहा मेरे को ग्लूकोज नहीं मिल रही पूरी, ग्लूकोज सेल में जाती है और सेल ही एनर्जी बनाता है उसकी। बिल्कुल जी। तो ग्लूकोज कम हुआ तो अब ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम लीवर का है। हाँ जी। हाँ, लीवर ग्लूकोज को छोड़ देगा तो वो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा, ब्लड फटाक से जाके सेल में छोड़ाएगा। जी जी जी। पर जब रोज रोज ऐसे होता है, हम 10 साल तक फालतू पानी पीते रहते हैं, 20-30 साल हो गए, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज को छोड़ने जाता है तो ब्लड जो फ्लूइड होता है पानी होता है वो भी कुछ एक्स्ट्रा छोड़ देता है। हाँ जी। हाँ। तो धीरे धीरे क्या होता है कि, और उसके अलावा ये चीज देखिए कि ब्लड के अंदर ज्यादा चीनी जाएगी, ज्यादा केमिकल जाएंगे, ज्यादा मिनरल जाएंगे तो ब्लड गाढ़ा तो होगा ही। हाँ बिल्कुल। अब वो ब्लड हो गया गाढ़ा।
कोलेस्ट्रॉल बनेगा, अब कोलेस्ट्रॉल भी लीवर छोड़ता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, और इस कोलेस्ट्रॉल का काम भी वही होता है कि ब्लड इसको सेल में छोड़ के आए। जब ब्लड गाढ़ा हो गया तो जो वेन्स होती है पतली होती है, हमारे एक एक बाल में भी एक एक लाख वेन्स होती है, इतनी पतली वेन्स होती है। तो मतलब हमें पानी बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल हमारा कंट्रोल में रहे, ये बात होगी ना आपके। अगर आप पानी कम करेंगे और वो पानी भी आप खाने के साथ जरूर पीना है, खाने के साथ पिएंगे तो ब्लड बढ़ेगा आपका। हाँ तो ब्लड बढ़ेगा तो ब्लड में पानी ज्यादा जाएगा तो अपने आप पतला हो जाएगा। और जो अच्छा, कहते हैं खाने के साथ पानी मत पियो लो, ये भी एक अपनी पॉइंट और बता थोड़ा, खाने के साथ पानी मगर थोड़ा बहुत तो पीना ही चाहिए। नहीं नहीं, अब मैं आपको इसकी एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ जी। एक बारी ना ये ब्रह्म कुमारीज का एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, आपको पता होगा शायद। हाँ, हम हो भी आए, तलगा है, माउंट आबू गए थे उनके। तो क्या हुआ कि मेरे एक जानकार है, क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि जी उनके कोई रिश्तेदार है, मामा जी हैं उनके सगे, और वो एक प्रोग्राम वहां पर करा रहे हैं, तो आप भी आ जाओ। अच्छा, तो मैंने कहा कि वो कहते जी वहां पर आप एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल। चलो भाई चले जाते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा मैं नहीं जाता क्योंकि ब्रह्म कुमारी रिलीजियस टाइप का है और मैं किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करता। हाँ अच्छा अच्छा, और मैं किसी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, मुझे ठीक है ठीक है, बस अपना नियम से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा मेरा एक इंटरेस्ट है कि मैं जो अपना हेल्थ के बारे में बात करता हूँ, मुझे एक घंटे का लेक्चर देना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आपको एक घंटे का टाइम दिला देंगे। मैंने कहा पहले बात कर लो, वहां जाके कोई दिक्कत ना आए। हाँ, तो उन्होंने मुझे 100% प्रॉमिस कर दिया कि आपको वहां पर मौका मिलेगा। ठीक है, हम चले गए, मैं और वाइफ चले गए वहां पर। अच्छा अच्छा, अब वहां पर गए तो बात हुई कि भाई आपने एक घंटा बोला था, तो कहते जी एक घंटा तो नहीं, ये ऑर्गेनाइजर से मना कर रहे हैं, 10 मिनट कह रहे हैं। अच्छा, गुस्सा तो बड़ा आया पर अब करते क्या, वापिस तो आ नहीं सकते थे, वापिस आते तो बेकार में अपना ही नुकसान था। हाँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट का तो दो। तो मैंने फिर सोचा कि अब एक घंटे की बात, डेढ़ घंटे, मैं तो एक घंटे के दो घंटे खींचने की बात सोच रहा था, यहाँ पर 10 मिनट हो गए। तो मैंने 10 मिनट में एक प्लान बनाया कि मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, हमारा पानी पीने का ही सिस्टम है और तो हमने कुछ बोलना ही नहीं। तो मैंने कहा जितने लोग यहाँ बैठे हैं 80-90 लोग, इन लोगों को दो ग्रुपों में बांट देता हूँ। एक वो लोग जो सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं। हाँ, और खाने के साथ पानी नहीं पीते, खाने के देर बाद पानी पीते, आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, एक घंटे बाद। जी जी। और दूसरा ग्रुप वो बना देता जो खाने के साथ साथ पानी पीते हैं और सुबह उठ के पानी नहीं पीते। हाँ जी। तो आज थोड़े लोग इधर हो गए, थोड़े लोग इधर हो गए। हाँ। उसके बाद मैंने कहा जिनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, वो हाथ खड़े कर दो। सारे वही लोग थे जो खाली पेट पानी पीते थे और खाने के साथ पानी नहीं पीते थे। अब सारे लोग हैरान कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो लोग खाने के साथ पानी नहीं पीते वो तो इसलिए पीते ना कि बीमारियां ना हो। और सारे वही बीमार हैं जो खाने के साथ पानी नहीं पीते। अब ये जितनी भी चीज थी ये एक मिनट के अंदर हो गई, उन्होंने 10 मिनट बोला, हमने 2 मिनट में कर दी ये चीज। बस अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने पब्लिक को कहा, मैंने कहा जी ये मेरे को कह रहे हैं कि जी मैं बस करूं, मैं ना बोलूं। कहते नहीं जी हमें तो आप ही की सुनी है, हमने इनकी सुनी नहीं। हाँ स्वामी, वो गारी समाज वाले जैसे विवेकानंद दयानंद है, उनको 0 मिनट पे कितने घंटे बोल चुके थे, एक बार इंटरेस्ट आना चाहिए उनको, पता लगना चाहिए लोगों को। हाँ जी हाँ जी। परंतु उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी वो ऑर्गेनाइजर मना कर रहे हैं, अब आप और नहीं बोल सकते। उन्होंने पब्लिक के कहने के बावजूद बंद करा दिया। अच्छा, ओहो, क्योंकि वो अपना इंटरनल था उनका। हाँ, तो उसके बाद जो भी हमारा फालतू मतलब हमारा फ्री टाइम था या मैं बाहर, मेरे को तो इंटरेस्ट था नहीं, हम बाहर बैठ जाते थे, लोग अपने आप आते थे, डिस्कस करते थे, बस वो अपने उनको समझाना था, जिनको आप समझाना था, लोग इकट्ठे हो जाते होंगे। तो अब ये तो वो हुआ कि इसका, अब थोड़े दिन पहले ना एक साइंटिफिक स्टडी आ रही थी जी ऊपर ही, तो वो कहते जी एक साइंटिफिक स्टडी हुई है जिसमें 35 लोग के ऊपर टेस्ट किया, उन लोगों को कुछ लोगों को खाने से के साथ पानी पिलाया, कुछ को खाने से पहले पानी पिलाया, कुछ को खाने के बाद पानी पिलाया घंटे के बाद। अच्छा, तो जो लोग खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं उनकी शुगर सबसे कम बढ़ती है। अच्छा ठीक है। हाँ। और जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं उनकी शुगर सबसे ज्यादा बढ़ती है। और जो खाने के पहले पीते हैं उनकी शुगर कम बढ़ती है। अच्छा, सबसे ज्यादा उनकी बढ़ती है जो खाने के साथ पीते हैं। तो इसलिए शुगर उन्हीं को होगी जो खाने के साथ पानी पीते हैं। साथ पीते हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, नहीं ये गलत है एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, शुगर का, ब्लड शुगर का आपके डायबिटीज से कोई कनेक्शन नहीं है, खाने से कोई कनेक्शन नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, अब मैंने दूसरी बात इनको बोली, मैंने कहा भैया एक बार बताओ, तुमको 35 लोग सेलेक्ट करके ये स्टडी करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, इन 35 में से एक भी आदमी डायबिटिक नहीं है।
हाँ, आप एक डिसीजन निकालना चाहते हो कि डायबिटीज किनको होती है, पानी जल का क्या कनेक्शन है जी। मैं कहा करोड़ों लोगों को डायबिटीज हो रखी है, उनको लो एक आध को, ये कहा क्यों सारे ले लो, सारे डॉक्टर के पास जाते हैं, सबने डॉक्टर ने एक ही बात पूछनी है, एक ही संदेश पूछना है कि भाई पानी पीते हो नहीं पीते। हाँ, तो उसके बाद आप देखो कितने परसेंट लोग हैं जो खाने के साथ पानी नहीं पीते, जिनको डायबिटीज हो रखी है। तो एक मिनट में पता चल जाएगा, आप एक जगह पर दिल्ली में मान लो सारे डॉक्टरों को कह दो, अगले दिन रिजल्ट आ जाएगा। अब ये लोग स्टडी करते हैं, 35 लोग चुनेंगे, उसके बड़े बड़े ऑफिसर और डॉक्टर्स होंगे, उसको स्टडी को पब्लिश करेंगे, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं लोग। ऐसे जितने भी इस तरीके की स्टडी होती है उसका मतलब क्या होता है, उन्होंने अपना मतलब निकालना है, उन्होंने लोगों को बीमार करना है, उन्होंने लोगों को ये बताना है कि खाने के साथ पानी ना पियो। खाने के साथ पानी पीने वालों को डायबिटीज कभी नहीं होती। अच्छा, और उन्होंने उनको बीमार बनाना है, तो बीमार बनाने का तरीका क्या है, उनको खाने खाने के एक घंटे बाद पानी पियो, और एक घंटे बाद जिसने पानी पीना है उसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो गई होगा। अच्छा, ठीक। सो बेसिकली ये सिस्टमेटिकली लोगों को बीमार करने का सिस्टम बना, ये मतलब कोई समझाए तो समझा जाए, भेड़ चाल में लगे हुए हम लोग, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें अब बताते हैं, लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा आसान है, मेरे को 20 साल लग गए ये सब सीखते सीखते। नहीं, पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको धीरे धीरे करके सोचना पड़ता है। कोई भी चीज होती है उसको 6-6 महीने सोचते रहो कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे क्या हुआ, फिर उसको थोड़ा केस करके देखना पड़ता है कि किससे क्या होता है। मुझे आपकी सारी बात से दो बातें समझ आ गई, एक तो थोड़ा खाने के बीच में पानी पी लिया जाए, और दूसरा ये जो है अब रिप्लेसमेंट करते हैं नॉर्मल वॉक, थोड़ा नहीं पीना चाहिए। जितना खाना खाते हैं उसके हिसाब से पीना है। हाँ, उसे आपसे। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जी। एक ग्रैंड मदर का फोन आया, दादी का फोन आया, उनका पोता है 15 महीने का। हाँ, और वो सारी रात सोता नहीं है, रोता रहता है। ओ, अच्छा। तो मैंने कहा कि जी 15 महीने का हो गया तो 15 महीने के बच्चे को तो कुछ सॉलिड खिलाना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो सॉलिड खाता है कुछ? नहीं जी, सॉलिड नहीं खाता वो। अच्छा जी। तो मैंने कहा एक काम करो, उसको आप उसका जितना दूध देते हो उसको आधा कर दो। अच्छा, बच्चा जब भूखा रहेगा तो अपने मांगेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अगले दिन फोन आया जी, उसको नींद आनी शुरू हो गई और उसने खाना भी शुरू कर दिया। बस बताओ। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने उसकी दवाइयां दे देनी थी, टॉनिक दे देनी, टॉनिक से कुछ नहीं हो रहा था। 15 साल का बच्चा हो जाता है तो पता चलता जी उसको ईटिंग डिसऑर्डर हुए हुए हैं, 36 बीमारियां हुई हैं। बस वो छोटी सी चीज है। एक मैं आपसे कोई इंटरप्ट कर रहा हूँ, और मैडम का एक बार कान भारी होता था, शां होती थी, तो उन्होंने हमारे रिश्तेदार डॉक्टर, उन्होंने कहा ऐसा करो आप मुंह में हवा भर लो खूब, और उसको प्रेस करो एक बार, और कान को प्रेस करो, प्रेस करो, और वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गई। लो, एक मिनट की बात थी भाई, किसी ने तो कर दिया। नहीं, हाँ, एक मिनट। अब ये कब हुई थी प्रॉब्लम? ये आज कई साल पहले। अब मैडम कह रही मुझे शां होती है कान में, डॉक्टर को दिखाया, यूएस भी गया थे, वहां दिखाया, कहीं बेंगलोर गया, कहीं किसी के पास कोई इलाज नहीं, कहता कोई इलाज नहीं हमारे पास। अच्छा भाई, लगातार होते हैं। मैं बताता हूँ इसको, नहीं ये मतलब ये पहले की बात बता रहे हैं जब डॉक्टर को दिखाया, आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की डेट में है शां होती है, मैडम से बात कर लो। नहीं सुनिए। हेलो। हाँ जी, ये कान में ना लगातार जैसे सीटी बजती है ना, वैसे आवाजें आती रहती हैं। देखिए, ये जो बीमारी होती है, आपके कान का एक सिस्टम होता है जी, जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन रुकती है वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो आपके कान के आसपास जितनी जगह है वहाँ पर आपको हल्के हल्के मालिश कर लीजिए। हाँ, मैं करती रहती हूँ। आप लोगों से नहीं करना, क्या करके क्रीम थोड़ी सी लगा के वैसे हल्की हल्की साइडों पे ना करती रह जाती हूँ मैं। वो जो आप क्रीम लगा रहे हो ना, उसकी वजह से बीमारी बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। तो वैसे हाथ से करते रहे? आप समझो ना, आपको ये मालूम तो है ही कि आपकी स्किन से ऑयल निकलता है। हाँ जी, हाँ निकलता है। सर में से भी ऑयल निकलता है? बिल्कुल निकलता है। हाँ, आप सर में तेल भी लगाते होंगे? हाँ लगाते हैं तेल कभी कभी। जब आप तेल सर पे लगा लोगे तो सर के अंदर से जो तेल निकलना है वो कैसे निकलेगा? अच्छा, वो तेल अंदर जब वो ब्लॉक हो जाएगा, वो तेल अंदर जमने लगेगा, वो धीरे धीरे करके आपके आसपास फैलता जाएगा, कानों तक भी पहुंच जाएगा वो। हाँ, और वो ब्लड सर्कुलेशन, हाँ वो ब्लड सर्कुलेशन को भी रोकेगा। सबसे पहले आप कहीं पर भी तेल और क्रीम वगैरह मत लगाएं। ठीक है। साबुन से उसको दो दिन में एक बार धोएं। ठीक है। कोशिश करो गीले कपड़े से, गीला टॉवल लेके उसके सर की और आसपास हल्के हल्के मालिश करो। ज्यादा देर नहीं करनी है, 5-5 मिनट नहीं करना, मुश्किल से आप ये सोच लो कि आधा आधा मिनट करना है। हाँ
और वो भी हल्के हल्के करना, रगड़ना नहीं है, लाल नहीं करना उसको वहां से। मैंने देख लो कितनी जगहों पर दिखा दिया, कोई दवाई दे देता है, कोई टेस्ट कर लेता है, कुछ नहीं हुआ, सब पैसे ले लेते हैं, इलाज कोई नहीं है। हाँ छोड़ दिया, फिर मैंने कहा अब चल रहा है तो चल रहा है, मैं क्या करूँ। जैसे सीटियाँ आवाज आती रहती है ना, आपको ये तो मालूम ही होगा। हाँ जी, टीनस टेस्ट करके बोलते हैं। हाँ टेस्ट करके बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, टीनस। हाँ हाँ ठीक है, एक ही कान में, एक कान में लगातार चलती रह जाती है, तो रात को मैं इरिटेट होती हूँ, बहुत इरिटेट होता है मेरे को भी कई बार। हाँ बहुत डिस्टरबेंस होती है उसकी वजह से। आप उसमें तेल वेल लगाना बंद करो, उसको सुखाओ और उसको फिंगर टिप से हल्के हल्के मालिश किया करो, तो वो जो तेल आप या कान के ऊपर बैक नहीं करो ना, नहीं नहीं सर पर भी करो, तेल तो सर से ही आया ना, तो धीरे धीरे करके आपके सर से तेल निकलने लग जाएगा, बालों में आएगा, बाल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो आप मालिश करो, आप फिंगर टिप से मालिश करो, आप गीले कपड़े से उसको अच्छे अच्छे मसाज करो, कान के आसपास भी करो और वहां भी करो, पर ज्यादा नहीं करो, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 10 बार ही करो। ठीक है। और दिन में 2-3 बार ही ना गीला टॉवल लेके उससे भी उसको अपने सर में रगड़ो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। हाँ, और जब भी आप नहाओ रोज के रोज बाल जरूर धो प्लेन पानी से, और 2 दिन में एक बार साबुन भी लगा लो उसमें, तो आपके जो खोपड़ी होगी ना वो सूखने लगेगी। अब जब वो सूखेगी तो तेल अपने आप अंदर से निकलेगा। हाँ निकलेगा। और जितना तेल निकलेगा उसके अलावा फिंगर टिप से मालिश भी करो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जैसी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपका ये सब आवाजें बंद हो जाएंगी। किसी ने नहीं ये बताया, और मैं इतना इलाज कर बैठी हूँ ना, बहुत पितंग हो गई हूँ, अब मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा चलो। आप इसकी बात करो, दुनिया में आप मानते हो क्या, क्या किसी भी बीमारी का इलाज है, डायबिटीज ले लो, हार्ट ले लो, जो बीमारी होती है आदमी एक बार दवाई शुरू होती है तो कभी बंद होती है? हाँ नहीं होती, नहीं होती बंद। तो दवाई का इलाज करने का तो कोई वो ही नहीं है, रूल ही नहीं है, कोई इलाज तो करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे जैसे बात आपका बहुत टाइम दे दिया हमने। नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपने चीजों का जिस्म निकाल दिया, डॉक्टर साहब मान गए जी। सो बेसिकली हमें हर चीज के बारे में ना पहले तो शक करना है लोगों के ऊपर कि लोग बता क्यों नहीं रहे जी। अच्छा बात हमारी चल रही थी वो मीटर और खाने के बीच में पानी जितना जरूरत है लेना चाहिए, ठीक है, जैसे लिक्विड। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, हमें अगर 3 रोटी खाते हैं तो 1 गिलास ले लेना चाहिए। हाँ अभी लिक्विड लिक्विड सब्जी या दही है तो चलो भाई थोड़ा और कम ले लेकर। नहीं लिक्विड थोड़ा बहुत उसको कंसिडर करके ही मैं कह रहा हूँ कि अगर लिक्विड ले भी रहे तो 1 गिलास के आसपास ले सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मतलब 150 ग्राम ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पहले हम लेते थे, हमें याद है खाना खाते बीच में लोगों ने बदल दिया, जो भी मतलब हम फिर भी खाना खाने के बाद ले ही लेता हूँ आधा गिलास, वेरी फ्रैंक। अब तो अब खाना खाने से 1 घंटा पहले भी मैं बोल रहा हूँ 1 गिलास लेने का, उसका कारण क्या होता है कि जब आप खाली पेट पानी पियोगे ना तो वो ज्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां से अब्सॉर्ब होके वो जो हमारे जो सेल्स के बीच का गैप है उसमें जाएगा। तो जब हमारा सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है ना तो सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनती है, उस वेस्ट को रिमूव भी वहीं से होना है, तो वहां पर थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है। तो 1 गिलास पहले पी लो, 1 गिलास रोटी के साथ पी लो। खाना खाने से पहले भी थोड़ा सा पी लिया जाए ना, 1 गिलास पूरा। हाँ पहले भी जी जी ठीक है, तो टोटल 6 गिलास हो जाएंगे, 6 गिलास काफी होते हैं, खासकर जब उम्र बढ़ जाती है तो 6 की जरूरत नहीं है, कभी 3 भी कर देने चाहिए, कभी सिर्फ पियो। बस बिल्कुल ठीक है, ठीक जैसे है। जैसे पानी कम हो जाएगा वैसे वैसे आपको फील होगा, तंदुरुस्ती ठीक हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो गया, सरदर्द नहीं होगा, कभी सुस्ती नहीं आएगी। हाँ बस ठीक है। नहीं सुस्ती तो मैं शरीर में आने नहीं देता, एक्टिव रहता हूँ अभी भी, 74 साल की उम्र भी बिल्कुल टू दी रहता हूँ। और ये रेस्ट भी करना चाहिए, ज्यादा एक्टिव होने से ना ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो फिर हमारे वो जो एनर्जी अवेलेबिलिटी होती है ना दिल वगैरह के लिए वो कम हो जाती है। हाँ, तो हमें ज्यादा भी नहीं करना, मतलब एक्टिव का मतलब ये है कि हम ये ना हो कि हम कहीं बैठे उठना है तो दर्द हो रही है या हम सोच रहे हैं ना उठे, बस ये होना चाहिए ठीक होनी चाहिए। हाँ आराम आराम भी जरूरी है, बस ये भी आपने गाइड कर दिया, ठीक है, आराम के बहुत फायदे होते हैं। और बीच में रेस्ट भी करा चारा भी, और वो ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना कि दिन में भी जैसे 2 घंटे लेट गया कभी 1 घंटा लेट गया, उसकी जगह पर एक घंटे में एक बार चाहे बैठे काम कर रहे हो या लेट के कर रहे हो 1 घंटे में 5-10 मिनट चल लो। हाँ बस वो ना, मैंने भी पढ़ा था हर 40 मिनट के बाद जैसे क्लास होती है ना कॉलेज में, उसमें हर 40 मिनट के बाद ब्रेक होना चाहिए 5 मिनट का, तो ये सही सिस्टम आपके बनाए हुए हैं सर। ये वाला सिस्टम तो सही है, ये वाला सिस्टम तो सही है, पर जो स्कूल और कॉलेज का सिस्टम है 40 मिनट के पीरियड होने का, आज की दुनिया का बेड़ा गर्क ही उस सिस्टम ने किया है। अच्छा
आप ये सोचो कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, हमें टोटल बात हो गई उस करीब 40-45 मिनट। हाँ, अगर अगर हम इस मतलब बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, जिनको नई चीजें सीखनी है, ये सारी चीजें तो आपको फिर भी समझ में आती है क्योंकि आपकी आपको इन सबकी नॉलेज है थोड़ी थोड़ी। हाँ जी 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 जी। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, जब वो तो बेचारा तंग आ जाएगा ना, आप उसको जब तक समझ आने लगता है आप उसका सब्जेक्ट चेंज कर देते, दूसरी टीचर भेज देते हो, वो तो परेशान होगा ना कि भाई समझ आया नहीं, वो पहली दूसरी आगे पुराने ट्रेंड हो गए जी वो सारे। मेरा कहना है कि एक दिन में एक ही पीरियड होना चाहिए और 15 मिनट बाद बच्चों को रेस्ट देने का चाहिए, 15 मिनट 10 मिनट के बाद उसके बाद देखो और बच्चों का रिजल्ट क्या आता है, सारे ऊपर आएगा फ्रीडम। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो काफी डॉक्टर साहब का काफी टाइम लिया। अच्छा, आपसे मिलना चाहें तो कहाँ मिल सकते हो और किस टाइम मिल सकते हो? कभी दिल्ली में रहता हूँ, बॉम्बे में है तो दिल्ली दिल्ली कौन सी जगह होते हैं मोस्टली? मैं विकासपुरी में हूँ। विकासपुरी जी, ये इधर लाजपत नगर की तरफ है ना जी? नहीं जी, ये है रजौरी श्रीनिवासपुरी। नहीं नहीं, रजौरी गार्डन जनकपुरी की तरफ। अच्छा, रजौरी गार्डन। अच्छा जी जी, मैं दिल्ली काफी सारी मेरी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, दिल्ली रहा हूँ सारी उम्र मैं भी। रजौरी गार्डन। हाँ जी, कौन से कॉलेज से? राजधानी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। अच्छा अच्छा, वो तो रजौरी गार्डन के पास ही है। हाँ, और फिर बाकी फिर इधर उधर मेरठ से पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, अपने अंकल के पास गया था। अच्छा। गया उनको मिलने, जॉब लो या एमए कर लो, एमए कर ली इकोनॉमिक्स में, फिर बैंक की जॉब करी, बैंक से अब रिटायर्ड हूँ मैनेजर। ठीक है, काफी जीवन में मेहनत बहुत करी है बस। चलो अच्छा डॉक्टर साहब, काफी आपका टाइम लिया तो आपसे कांटेक्ट करके फिर आपके पास दर्शन करने आएंगे। थैंक यू। मैं उनका भी थैंक्स करता हूँ, उस मैडम का जिन्होंने मेरी मैडम को बताया कि इतनी अच्छी गाइडेंस। ये फीस वगैरह डॉक्टर साहब कैसी होगी, आपको कैसे? कोई नहीं, आप इसको शुरू करिए, फिर 2-4 महीने के बाद आप बताइए क्या क्या फायदा हुआ आपको, फिर उसके बाद जो आपको ठीक लगे कर दीजिएगा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप क्या अपना क्लिनिक बनाया हुआ या कंसल्टेशन रखा है? नहीं, नहीं, मैं फोन पर ही बात करता हूँ और कोई भी ईमेल हो, कुछ भी हो, वीडियो वगैरह उसी पर भेज देते हैं। अच्छा, इसी में काफी बिजी रहते हैं, कोई मतलब आपने ऑफिस और वो ज्यादा नहीं बनाया, पंप एंड शो वाला नहीं बनाया? मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा जी, ओहो, आपने शायद कॉमर्स से किया है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और लॉ भी किया हुआ है मैंने, मैं लॉ प्रैक्टिस भी करता हूँ। अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया जी, वाह। देखो नॉलेज, देखो क्या ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की नॉलेज, ये साइंस की नॉलेज कहाँ से लिया आपने, ह्यूमन बॉडी डॉक्टरी वाली? अपने आप पढ़ पढ़। जब मैं बीमार होने लगा ना, हाँ, तो मैंने एक बार पढ़ा कि भाई ये बीमारियां ठीक कैसे होती हैं। पहले तो हमारा मानना ये था कि भाई ये साइंस के स्टूडेंट होते हैं, सबसे जो अकलमंद लोग होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं। हम तो कोई किताब पढ़ के थोड़ी पढ़ के छोड़ देते हैं, हम बस पढ़ लेंगे, फिर वो फिर कभी आई नहीं आज तक। नहीं, पर आपने हमेशा डॉक्टरों पर भरोसा किया ना। अब मैंने जब थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे पता चला जी इन बीमारियों का तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक, तो अब जब बीमारियों का इलाज नहीं है तो उनका तो फिर जिम्मेदारी खुद ही लेनी है ना, फिर डॉक्टर के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं। बस फिर उसके बाद अपनी जिम्मेदारी ले ली, सारे काम बंद कर दिए, ये काम शुरू कर दिया पढ़ना। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा जी, काफी टाइम आपके लिए थका भी, आपको भी है, कहेंगे नए बंदे मिले हैं। नहीं, अच्छा लगा जी। आप मेरे कितने भी वीडियो देखे, सबसे इतनी देरी बात होती है, सुबह से एक एक घंटे की 3-4 कॉल हो चुकी है। ओहो, बातचीत आराम से ही करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। चलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी, आपका काफी टाइम लिया, थैंक यू वेरी मच।